सो रिप्लिकेशन के ऊपर जब हम बात करते हैं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि रिप्लिकेशन इज समथिंग जहाँ पे हमने कुछ बेसिक चीज़ें आपसे बात कर ली थी। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ चीज़ें आपको ज़रूरत थी, जैसे प्राइमर, जैसे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए टेम्पलेट, जैसे 5' to 3' डायरेक्शन सिंथेसिस होता है एंड इट इज़ टेम्पलेट वन। अगर वॉट इफ़ प्राइमर इज नॉट प्रेजेंट, अगर प्राइमर नहीं प्रेजेंट होगा तो क्या होगा? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर कि यहाँ पे जो होता है कि प्राइमर नहीं होगा तो डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए जो होते हैं यहाँ पे पा जाते हैं, मतलब कि कुछ ब्लंट इंडेड होते हैं, कुछ 3' ओवरहैंग, कुछ 5' ओवरहैंग। इसको मैं ड्रॉ करता हूँ दूसरे पेज में तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? तो देखिएगा कुछ ऐसे डीएनए हैं जो कि ब्लंट इंडेड डीएनए होते हैं, ठीक है? और ब्लंट इंडेड डीएनए होते हैं उस तरीके से काम करते हैं, और कुछ होते हैं स्टिकी इंडेड डीएनए, ठीक है? कुछ होते हैं स्टिकी इंडेड डीएनए जहाँ पे कुछ ओवरहैंग होता है, मतलब ओवरहैंग डीएनए, ठीक है? ये देखिएगा कि ये होगा मान लो 5', और ये होगा 3', और ये होगा 3', और ये होगा 5'। डीएनए का हमेशा एंडिंग जरूर लेबल करना, तभी आप कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझ पाओगे। 5 और 3 क्या था? फॉस्फेट और OH ग्रुप। 5' की तरफ फॉस्फेट होता है, 3' की तरफ OH होता है, ठीक है? सिमिलरली ये है 5' फॉस्फेट और ये है 3' OH। ये है 5' फॉस्फेट क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होगा और ये 3' OH, ठीक है? अगर वॉट इफ़ प्राइमर इज़ नॉट प्रेजेंट, ठीक है? अगर वॉट इफ़ प्राइमर इज़ नॉट प्रेजेंट, अगर कोई भी प्राइमर नहीं है, ठीक है, प्राइमेज या प्राइमेज नहीं है, कोई प्राइमर नहीं है, तो क्या करोगे? देखो अब इस केस में आपको प्राइमर का काम क्या होता है? प्राइमर डीएनए, जैसा मैंने आपको बताया कि डीएनए को चाहिए 3' OH, और रिप्लिकेशन के लिए और क्या चाहिए? और चाहिए टेम्पलेट, ठीक है? 3' OH और चाहिए टेम्पलेट। इसमें भी मैं लिख देता हूँ सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो 3' OH और 3' OH में। सी कंडीशन देखने की कोशिश करना, देयर आर 3 डायग्राम्स, दिस इज A1, दिस इज B1 एंड दिस वन इज C1। सी हियर इन द A1 डायग्राम क्या 3' OH का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है? यस, 3' OH फुलफिल है। क्या यहाँ पे टेम्पलेट कोई मिलेगा क्या? टेम्पलेट कहने का मतलब कोई कि एक ऐसा डीएनए जिससे कि थ्रू यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लीमेंट्री ऐड हो, ठीक है? तो टेम्पलेट यहाँ पे चाहिए। टेम्पलेट अगर 3' OH को बिना प्राइमर के एक्सटेंड करोगे इस डायरेक्शन में और इसको इस डायरेक्शन में, तो कोई भी टेम्पलेट यहाँ पे है ही नहीं। नो, कोई भी टेम्पलेट नहीं है, तो टेम्पलेट का कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। सिमिलरली अगर इसमें देखेंगे, देखिए अब यहाँ पे क्या है कि 3' OH है क्या? 3' OH है, देखिए है। क्या टेम्पलेट है? टेम्पलेट जो है अगर आप देखेंगे, ठीक है, सो ध्यान देने की कोशिश करिएगा, जब आप टेम्पलेट यहाँ पे देखेंगे तो टेम्पलेट के केस में जब हम बात करेंगे 3' OH है, टेम्पलेट है यहाँ पे, सो दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग कि अब ये 5' फॉस्फेट का टेम्पलेट है। टेम्पलेट किसका है? 5' फॉस्फेट का है। टेम्पलेट किसका होना चाहिए? 3' OH का होना चाहिए, 5' फॉस्फेट का नहीं। हम इससे ये टेम्पलेट की तरह अगर काम करेगा, यहाँ पे आप देखो कि अगर इससे इधर एक्सटेंड कराएंगे तो यहाँ पे कोई भी चीज़ जो होगी वो आपकी नहीं पाई जाएगी टेम्पलेट के तरीके से। यहाँ से ये टेम्पलेट काम कर सकता है, ये जो है टेम्पलेट का काम कर सकता है, यहाँ से आगे बढ़ सकता है, लेकिन 5' फॉस्फेट से कभी एक्सटेंशन होगा नहीं होगा। टेम्पलेट इज़ फॉर 5' फॉस्फेट, तो ये क्राइटेरिया जो है ये भी गया, 3' OH का टेम्पलेट नहीं मिल रहा है, ठीक है? ठीक है, टेम्पलेट 5' फॉस्फेट है, 3' OH नहीं है। सिमिलरली जब आप इसको यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे इस पर्टिकुलर डायग्राम में, तो देखिए 3' OH का क्राइटेरिया आपको फुलफिल होगा, और जब आप टेम्पलेट को देखोगे तो टेम्पलेट जो है यहाँ पे बढ़ता हुआ चला जाएगा। टेम्पलेट जो है यहाँ पे मिल रहा है, मतलब इसके आगे एक न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे ये 5' to 3' में एक्सटेंड हो सकता है। सिमिलरली ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये एक्सटेंड हो सकते हैं। सो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे क्या है कि 3' OH भी फुलफिल हो रहा है, और टेम्पलेट फॉर 3' OH, टेम्पलेट फॉर 3' OH है क्या, ये भी फुलफिल हो रहा है। सो दिस कैन बी सिंथेसाइज विदाउट प्राइमर, ये जो है ये विदाउट प्राइमर हो सकता है, विदाउट प्राइमर हम इसको पॉलीमराइज से कर सकते हैं, ठीक है? सो इसके लिए आपको ये पता चला होगा, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है ब्लंट,
इसमें कोई भी ओवरहैंग नहीं है, लटका हुआ नहीं है, जबकि इसमें देखो क्या ज्यादा लटका हुआ, थ्री प्राइम ओवरहैंग। तो ये क्या है, थ्री प्राइम ओवरहैंग, ठीक है। और इस वाले केस में देखेंगे, यहां पे सी वाले केस में, तो सी वाले केस में क्या है, फाइव प्राइम ओवरहैंग है, दिस इज फाइव प्राइम ओवरहैंग। समझ में आ गया। तो अगर प्राइमर इंडिपेंडेंट किसी भी डीएनए का रिप्लिकेट करना है तो दैट शुड बी फाइव प्राइम ओवरहैंग, फाइव प्राइम जो है फॉस्फेट ओवरहैंग होना चाहिए, क्लियर है। तो ये होगा तो ये आपका केस बन जाएगा। होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो यही चीज़ मैंने बताई हुई है यहाँ पे, इस तरीके से चीज़ें होंगी दैट ये काम चल सकता है, ठीक है। नाउ तो इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं वो चलती रहती हैं, आपको लर्न करना होता है। नाउ डीएनए के केसेस पे जब हम बात करते हैं, सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स एंड डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, उस चीज़ों पे हम बात करेंगे क्या है क्या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर कि क्या है क्या नहीं है। तो कुछ कुछ प्रोटीन्स के बारे में देखते हैं कि क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं, कैसे इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपको पता है ऑलरेडी डीएनए कॉपी ऑफ डीएनए है, एस फेज में होता है, सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होते हैं, प्राइमर का इन्वॉल्वमेंट होता है, चाहे वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो या शॉर्ट डीएनए सिक्वेंसेज हो। प्राइमर बाइंडर थ्री प्राइम ओएच ये करेगा, और जो नॉर्मली करेगा रिप्लिकेशन का डायरेक्शन फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम, एंड टेम्पलेट अगर चाहिए तो फाइव प्राइम ओवरहैंग होगा तब ये सिंथेसाइज करेगा। इसके अलावा ये चीज़ें देखिएगा कि क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे देखने की कोशिश करिएगा कि ई कोलाई प्रोटीन इज देयर, जहाँ पे ई कोलाई में कौन कौन से प्रोटीन पाए जा रहे हैं, यूकेरियोट्स में उसके कॉम्प्लीमेंट्री कौन कौन से प्रोटीन है। तो ई कोलाई में पाया जाता है डीएनए ए, इन द ई कोलाई देयर इज डीएनए ए प्रोटीन, इन द डीएनए ए जो होता है ये बाइंड करता है। ई कोलाई में जो पाया जाएगा अगर हम बात करते हैं तो इसके ओरिजिन को बोलते हैं ओराई सी, और यूकेरियोट में इसके ओरिजिन को बोला जाता है ए आर एस, ठीक है, ओरिजिन ऑफ ऑटोनोमस रिप्लिकेटिंग सीक्वेंस। इसका क्या नाम होता है, ऑटोनोमस रिप्लिकेटिंग सीक्वेंस। ऑटोनोमस रिप्लिकेटिंग सीक्वेंस जो होता है ये पाया जाता है, ठीक है। नाउ गायरेजेस जो होते हैं वो इक्वलाई में होते हैं, टोपोएप्सिस आइसोमेरेजेस वन एंड टू होते हैं, किसके लिए, ये पॉजिटिव और निगेटिव सुपर कॉइलिंग। जो सुपर कॉइलिंग मैंने न्यूक्लियोटाइड में डिस्कस किया था कि जब रिप्लिकेशन होता है तो ओवर वाइंडिंग या अनवाइंडिंग होता है फॉरवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में, उसको रिमूव करने के लिए। डीएनए भी जो होता है हेलिकेज का काम करता है, मतलब जो डीएनए के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं उनको कट करके ओपन करेगा। ये एमसीएम पाया जाता है यूकेरियोट्स में। ई कोलाई में प्रोटीन पाया जाता है डीएनए सी, यूकेरियोट में ये होता है सीडीसी सिक्स एंड सीडीटी वन, और आपके नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो एसएसबी प्रोटीन होता है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन की रीवाइंड करने से प्रिवेंट करने के लिए, वो आपके ई कोलाई में होता है। एस का ही कॉम्प्लीमेंट्री होता है आरपीए रिप्लिकेशन प्रोटीन ए यूकेरियोट में, जो कि सिंगल स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखता है ताकि रिप्लिकेशन होता रहे। ई कोलाई में गामा कॉम्प्लेक्स होता है जो कि क्लैंप लोडर होता है, ये जो बीटा क्लैंप है इसको लोड करने का काम करता है। जैसे डीएनए सी हेलिकेज को लोड करता है ना, हेलिकेज लोडर होता है, वैसे ही गामा कॉम्प्लेक्स जो होता है क्लैंप लोडर होता है। सिमिलरली जैसे सीडीसी सिक्स सीडीटी वन एमसीएम हेलिकेज को लोड करते हैं, वैसे ही रिप्लिकेशन फैक्टर सी जो होता है पीसीएनए कॉम्प्लेक्स, जो कि क्लैंप प्रोसेसिविटी कॉम्पोनेंट होते हैं, उनको लोड करने का काम करता है। मेन जो रिप्लिकेटिंग एंजाइम होता है जिसे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इकोलाई में होता है, एंड यूकैरियोट में डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एंड सिग्मा होते हैं, डेल्टा एंड आपके एप्साइलन होते हैं। इकोलाई में प्राइमर का सिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ प्राइमेज करता है, जबकि यूकैरियोट में प्राइमेज और पॉलीमरेज अल्फा दोनों करते हैं। पहले प्राइमेज आरएनए प्राइमर बनाता है, उसके बाद जो पॉलीमरेज अल्फा होता है वो बनाता है डीएनए प्राइमर। पॉलीमरेज अल्फा जो होता है वो बनाता है डीएनए प्राइमर। सो ये चीज़ें जो होती है इन्वॉल्व हो जाती है। डीएनए लाइगेजेस यूज होते हैं ई कोलाई में जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट को जोड़ने के लिए, और पॉलीमरेज वन होता है प्राइमर को रिमूव करने के लिए, और एफईएन जो होता है वो आपके प्राइमर को रिमूव करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है, ये सारे कंटेंट, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चलिए ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि ये कुछ कुछ चीज़ें आपको माइंड में रखनी है जो बात की गई थी। देयर शुड बी लाइक कि नॉर्मली अब अगर हम बात करते हैं तो प्राइमर नॉर्मली क्या किया गया था, अगर कुछ कुछ चीज़ें रिकॉल करो यहाँ पे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के केसेस में, तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के केसेस में रिकॉल करोगे तो सारी सारी चीज़ें अपने आप समझ में होती हुई नज़र आ जाएंगी, ठीक है। अगर मान लो कि ये डीएनए है, ठीक है, ये है आपका, ये है आपका यूकैरियोट, ठीक है। सो ये इसमें क्या हो जाएगा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ कंपोनेंट आएंगे, कुछ कंपोनेंट यहाँ पे भी जुड़ेगा, कुछ कंपोनेंट और जुड़ेगा,
कुछ कंपोनेंट और जुड़ेगा, कुछ यहाँ पे भी आएंगे, क्या क्या आएगा देखिए, चलिए देखते हैं हम, ठीक है। सो पहले है कि इसमें आता था, देखिएगा कि इन सब चीज़ों पे यहाँ पे क्या पाया जाएगा, ओ आई सी होता है। उस पर बाइंड करने के लिए सबसे पहले होता है DNA A, क्या होता है DNA A, जो कि इस ओ आई सी को रिकॉग्नाइज करता है। फिर होता है DNA C, जो कि हेलिकोज को लोड करेगा। और फिर होता है B, दैट इज DNA B, जो कि क्या करेगा, ये हेलिकेज का काम करेगा, हेलिकेज इसको ओपन करने का। ओ आई सी में दो यूनिट पाया जाता है, एक 19 मर होता है और दूसरा होता है, एक 9 मर होता है और एक होता है 13 मर, ठीक है। सो ए जो बाइंड करता है वो बाइंड करता है 9 मर पे, और बी जो बाइंड करता है वो बाइंड करता है 13 मर पे। यानी मेल्टिंग जो स्टार्ट होगी वो 13 मर से मेल्टिंग स्टार्ट होती है। मेल्टिंग का मतलब हेलिक्स ओपन होगा, क्योंकि 13 मर जो होते हैं वो 80 रिच ज़्यादा पाए जाते हैं। 80 रिच वाई, बिकॉज 80 रिच होगा तो इसका ऑब्वियसली बात है, ये आपको पहले से पता होगा कि 80 जो होते हैं इनमें दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और GC के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो ये जो होता है ये वीक होता है और ये स्ट्रॉन्गर होता है GC, सो दैट्स वाई यहाँ पे 80 रिच पा जाता है। सिमिलरली यूकैरियोट में यहाँ पे होता है ऑटोनोमस रिप्लिकेटिंग सिक्वेंस। रिकॉग्नाइज करने के लिए सबसे पहले चाहिए ORC, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। इसमें कई सारे डोमेन्स होते हैं, A1, B1, B2 and B3, ठीक है। ORC बाइंड करता है B1 डोमेन से, ठीक है, DV1 डोमेन से बाइंड करेगा, जबकि आपके हेलिकेज जो बाइंड करेंगे वो कहां से बाइंड करेंगे, आपके हेलिकेज जो बाइंड करता है वो बाइंड करता है B2 डोमेन से, ठीक है। तो यहां पे आएगा CDC6, CDT1, देन उसके बाद आ जाएगा आपका क्या, देन आ जाएगा MCM हेलिकेज। इसके बाद आप अगर आप बात करोगे तो MCM हेलिकेज आएगा, जो कि कट करेगा। सो दिस इज लाइक कैसे आपके ऑर्डर आ रहे हैं। अगर आप यहां पे देखेंगे प्रोकैरियोट में, तो ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, ए पहले, फिर बी, फिर सी, ठीक है। मतलब इस तरीके से आएंगे और ये काम करके फिर इनिशिएशन या ओपनिंग की तरफ जाएंगे। और प्रो यूकैरियोट में क्या सीन था, यूकैरियोट में पहले ORC, फिर CDC6 और CDT1, उसके बाद आता है MCM हेलिकेज, और ये जो होते हैं इस तरीके के कॉम्प्लेक्स आते हैं, ठीक है। तो ये है आपके क्या, ओपन हेलिक्स या ओपन करने के कॉम्प्लेक्स, इनिशिएशन का पंखा। यहाँ पे मेल्टिंग किससे स्टार्ट होगी, जहाँ पे हेलिकेज बाइंड होगा, B2 डोमेन से मेल्टिंग स्टार्ट होगी। B2 डोमेन जो होगा वहाँ पे मेल्टिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। सो कुछ प्रोसेसेस देखेंगे, बेसिक फंडामेंटल है, इसके बाद कैसे चीज़ें चलेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ATP के हाइड्रोलिसिस होगी, एक्टिवेशंस होंगे एंड ऑल, वो चीज़ें जरूर आएंगी, ठीक है। तो चलिए देखिएगा कि ये जो है नॉर्मली क्या करते हैं कि केसेस के, ये सारे के सारे केसेस जो होते हैं वो चलते रहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इनिशिएशन समझिएगा, यहाँ पे यूकैरियोट में उसी चीज़ के ऊपर यहाँ पे बात की गई है। देखिएगा कि यूकैरियोट में सबसे पहले देयर शुड बी ARS, ऑटोनोमस रिप्लिकेटिंग सीक्वेंस। ऑटोनोमस रिप्लिकेटिंग सीक्वेंस से क्या बाइंड करेगा, ऑटोनोमस रिप्लिकेटिंग सीक्वेंस से बाइंड करेगा एक आके ORC, ठीक है। ORC आके बाइंड किया यहाँ पे, अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या आके बाइंड कर लिया, ORC। आफ्टर ORC दिस इज CDC6 एंड CDT1। ORC के बाद CDC6 एंड CDT1 आके बाइंड करेंगे, जो कि हेलिकेज लोडर का काम करते हैं। ORC क्या है, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स है, रिकॉग्नाइज किया ARS को, वहाँ पे आके ये चीज़ें हुई। अब होने के बाद फिर MCM हेलिकेज आएगा, हेलिकेज के बाद देयर शुड बी द हेलिकेज एक्टिवेशन। हेलिकेज क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा कैसे, यहाँ पे कुछ काइनेजेस होते हैं, कैसे एक्टिवेट होंगे, CDK, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ये सेल साइकिल में, सेल बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज क्या होता है, इसका नेचर काइनेज। काइनेज का मतलब होता है फॉस्फोराइलेट करना, मतलब ये फॉस्फोराइलेट करेगा MCM को, MCM फॉस्फोराइलेट होता ही एक्टिव हो जाएगा। अभी तक हेलिकेज एक्टिव नहीं था, सिर्फ लोड हुआ था MCM, लेकिन यहाँ पे एक्टिव होगा, एक्टिव होता तो मेल्टिंग करेगा, मेल्टिंग करने के बाद प्राइमर की सिंथेसिस होगी, ठीक है। तो प्राइमर की सिंथेसिस कैसे होगी, उसके ऊपर हम अभी बात करते हैं कि प्राइमर के लिए, प्राइमेज और प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या चीज़ें होंगी। तो हेलिकेज लोडिंग अगर समझ में आ गया है, ठीक है, तो ये देखिएगा प्रोकैरियोट वाला है, यहाँ पे मैंने यूकैरियोट बताया, ये प्रोकैरियोट वाला केस है कि 13 मर रिपीट्स था, 19 मर था, 13 मर 19 मर यहाँ पे पाया जा रहा है।
और आप देखेंगे 1380 रीच पे आ जा रहा था, ए यहाँ पे बाइंड करेगा डीएनए ए, 9वां रिपीट से बाइंड किया, फिर यहाँ पे डीएनए बी और डीएनए सी कहाँ बाइंड किया, 13वां यूनिट से बाइंड किए, मेल्टिंग स्टार्ट किया एटीपी हाइड्रोलिसिस के बाद और ये ओपन हुआ और यहाँ पे चीज़ें चलने लगी, ठीक है। और ये फिर इसी तरीके से लीडिंग लैगिंग चलता रहेगा, जो आपको पहले ही प्रीवियस वीडियो में बताया जा चुका है कि स्ट्रैंड का सिंथेसिस कैसे होगा, लीडिंग लैगिंग स्ट्रैंड क्या है, तो वो अपना ये चलता रहेगा, ठीक है। सो ये सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये तो था कि हेलिकेज लोडिंग कैसे हो रहा है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि हेलिकेज जो चीजें चल रही थी वो नॉर्मली, ठीक है, कि क्या होगा अगर हम बात करते हैं प्राइमर के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो नॉर्मली क्या था कि आपके पास ये डीएनए सीक्वेंस थे, ये था डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। यूकेरियोट और प्रोकेरियोट दोनों के ऊपर बात करेंगे सो दैट कि यू कैन गेट अ बेटर आइडिया, आप अच्छे आइडिया पे चलें तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। सो जैसे ही यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि ये मान लीजिए हेलिक्स ओपन हो गया, ठीक है, ये मान लीजिए हेलिक्स जो है ओपन हो गया, एक है प्रोकेरियोट और एक है यूकेरियोट, तो आपको क्या बताया गया अभी तक, आपको ये बताया गया कि यहाँ पे कुछ 13वां होंगे कुछ 9वां होंगे, ए यहाँ पे डीएनए ए आके बाइंड करेगा, फिर डीएनए बी और सी आके बाइंड करेंगे और बी फिर इसको इसके बीच में बना हुआ बॉन्ड जो है तोड़ने की कोशिश करेगा। जब बना हुआ बॉन्ड तोड़ेगा तो तोड़ दिया इस तरीके से, अब इसको प्रिवेंट करने के लिए हेलिकेज एक तरफ मूव करेगा इस तरीके से, और इसको प्रिवेंट करने के लिए देयर आर सम प्रोटीन्स जैसे कि एसएसबी, ये कुछ प्रोटीन्स होंगे जो यहाँ पे बाइंड करेंगे। यूकेरियोट में इसी के हिसाब से कौन सा प्रोटीन बाइंड होगा, अगर यूकेरियोट में बाइंड करें तो इसमें जो होगा वो होगा एसएसबी, ठीक है, कौन सा बाइंड हो जाएगा, एसएसबी बाइंड हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब देखिएगा कि एसएसबी की जगह क्या होगा भाई, रिप्लिकेशन प्रोटीन ए, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, रिप्लिकेशन प्रोटीन ए जो होगा यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा। तो हेलिकेज चल रहा था, हेलिकेज के ऊपर जब हम बात करते हैं तो हेलिकेज जो है यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, हेलिकेज जो यहाँ पे इसका क्या नाम था यूकेरियोट में, एमसीएम हेलिकेज था, ये अपना फॉर के मूवमेंट में चल रहा है, ओरिजिन ऑफ प्रिकॉग्निशन यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्रोकेरियोट में इसको ओराई बोलेंगे, यूकेरियोट में बोलेंगे एआरएस, यहीं पे ईआरएस में क्या था कि एआरएस यहाँ पे था जिसमें कई सारे डोमेन्स थे, A1, B2, B3, A1 था, B1 था, B2 था, B3 थे, इसमें आके कुछ कंपोनेंट आपको बताए गए थे जैसे कि आपके CDC6, ये सारे चीज़ें जो थी और दिस आर डिफरेंट कंपोनेंट्स जो थे वो आपको बताए गए थे, ठीक है। तो दिस इज समथिंग जो कि आप अगर आप देखेंगे तो यू कैन फाइंड दैट, ओके नहीं फाइन। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो साइज़ बड़ा हो रहा था तो मैं उसको छोटा कर दिया कि यहाँ पे कुछ कंपोनेंट आपको बताए गए थे, दैट इज ORC, CDC6, CDT1 एंड MCM, ठीक है। तो ये चीज़ हो रही थी, ये कॉम्प्लेक्स चलता रहेगा। नाउ प्राइमर सिंथेसिस के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ध्यान देना कि यहाँ पे आएगा क्योंकि डायरेक्शन फिक्स करना बहुत ज़रूरी है, 5' to 3' डायरेक्शन, तो सिंथेसिस हमेशा इस डायरेक्शन में होगी, तो यहाँ पे इस तरीके से एक प्राइमर की सिंथेसिस होगी। प्राइमर जो होगा जनरली आरएनए प्राइमर होगा और उसके लिए एक एंजाइम चाहिए, उसके लिए एक एंजाइम चाहिए आपका, वो एंजाइम कौन होगा, वो एंजाइम जो होगा आपको अगर बताया जाए तो दैट एंजाइम पर्टिकुलरली प्राइमेज, क्या होगा ये आपका प्राइमेज होगा, किसमें, यूकेरियोट में। प्राइमेज जो होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, अगर हम बात करें तो प्राइमेज का डायरेक्शन इस तरीके से आपका चलता रहेगा, ठीक है। तो दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ प्राइमेज, प्राइमेज इस तरीके से सिंथेसाइज करेगा, विच डायरेक्शन, 5' to 3' डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये चीज़ चलेगी यहाँ पे ना। एग्जैक्टली इसमें क्या होता है कि ये कैसा प्राइमर बना, आरएनए प्राइमर, और इसके बाद 3' OH मिलेगा, एक्सटेंशन शुरू हो जाएगा, कौन आएगा यहाँ पे, एक और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो वो आ जाएगा पॉलीमरेज, क्या जाएगा, पॉलीमरेज थर्ड, जो कि मेन रिप्लिकेटिंग एंजाइम है, और इससे लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस शुरू हो जाएगी, लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस जो है वो शुरू हो जाएगी। सिमिलरली जब हम बात करेंगे यूकेरियोट में, तो ये अगर 5' है और उधर 3' है, ठीक है, अगर हम बात करें तो दिस इज 3', तो यहाँ पर जो होगा कि दो एंजाइम्स आते हैं, ठीक है, दो एंजाइम्स आएंगे का मतलब देखिएगा कि पहले जो होता है दैट इज़ प्राइमेज, ठीक है, पहले जो पाया जाएगा वो पाया जाएगा प्राइमेज, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आता है आपका दैट इज़, हाँ जी, उसके बाद आएगा डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, ठीक है,
डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, ध्यान देना, पहले क्या होगा कि यहां पे आएगा प्राइमेज, ठीक है, पहले आ गया प्राइमेज, ये है प्राइमेज और ये जो है ये है पॉल अल्फा, पॉलीमरेज अल्फा, ठीक है। अब पहले जो होगा कि यहां पे देखिएगा, मैं थोड़ा सा कलर डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू द एंजाइम कि दिस पर्टिकुलर ब्लू कलर शुड बी द प्राइमेज वन, पहले ये सिंथेसाइज करेगा, दैट शुड बी द आरएनए, उसके बाद फिर रेड कलर एंजाइम दैट पॉलीमरेज अल्फा विल सिंथेसाइज द आर रेड कलर पर्टिकुलर थिंग। तो ये जो है पहले आरएनए बनेगा, फिर इस ये बनेगा आईडीएनए, दैट इज इनिशिएटर डीएनए। तो ये जो है आपका पूरा का पूरा प्राइमर होता है, यहां पे आरएनए और डीएनए प्राइमर इन द यूकैरियोट, पहले आरएनए देन डीएनए, दो एंजाइम प्राइमेजेस और पॉलीमरेज अल्फा, ये दोनों यूज होते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली जो केस है यहां पे क्या हो रहा है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के केस में। प्रोकैरियोट में सिर्फ प्राइमेज होता है और आरएनए प्राइमर बनाता है, जबकि यूकैरियोट के केस में जब हम बात करते हैं तो यूकैरियोट में आरएनए और डीएनए प्राइमर दोनों बनते हैं, हाइब्रिड बनता है और ये चीजें होती हैं, ठीक है जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये डायग्राम वही है जो मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ, ओआरसी एआरएस वाला कॉम्प्लेक्स एमसीएम टू आएगा, फिर देखिएगा कि एआरएस से ओआरसी बाइंड किया, फिर सीडीसी सिक्स सीडीटी वन आएंगे, फिर एमसीएम को लोड किया जाएगा, फिर इसको एक्टिवेट किया जाएगा और फिर जाके वो चीज़ों को कंटिन्यू करेगा। सो दीज आर द केसेस। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो दिस इज प्राइमेज आरएनए प्राइमर पहले बनता है, फिर पॉलीमरेज अल्फा डीएनए प्राइमर बनाता है, तो ये डीएनए प्राइमर फिर एसएसबी बाइंड करेगा और रिप्लिकेशन फैक्टर सी लोडिंग का काम करेगा और ये चीज़ें चलेंगी। लोडिंग और ये सारा क्या है, प्रोसेसिविटी कंपोनेंट, हम इन चीज़ों पे थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, चाहे कोई भी चीज़ हो तो लोडिंग प्रोसेसिंग ये इलोंगेशन का पार्ट आएगा, ठीक है, किसका पार्ट आएगा, इलोंगेशन का। तो इलोंगेशन में जब भी कोई डीएनए, अगर हम प्रोकैरियोट यूकैरियोट के ऊपर बात करते हैं, अगेन कॉम्पेरेटिव लर्न करते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो कोई भी पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं, दिस इज लाइक प्रोकैरियोट और ये जो है यूकैरियोट है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, ये एंड हो जाएगा 5', ये हो जाएगा 3' और ये हो जाएगा 3', और ये 5', ठीक है, 5', 3', 3', 5', ठीक है। मैं थोड़ा सा मेल्टिंग कर देता हूँ यहाँ पे, मतलब मेल्टिंग कर दिया जाए सो दैट कि अच्छे तरीके से हम चीज़ों को लर्न कर पाए कि क्या है। तो देखिएगा, मेल्टिंग करने का मतलब ओपन है हेलिक्स, तभी तो एलोंगेशन वगैरह होगा, प्राइमर वगैरह बनेंगे। इसका पूरा कॉन्सेप्ट जो है पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, कैसे बनेगा क्या नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हम प्रोसेस लर्न कर रहे हैं। सो क्या हो जाएगा कि देखिएगा कि अब कोई भी पॉलीमरेज है यहाँ पे, दिस इज मान लो पॉलीमरेज थर्ड। अब पॉलीमरेज थर्ड जो है एक जगह पे तो रुकना नहीं चाहेगा ना, ये क्या कहेगा कि पहले ये कहेगा कि इसको किसी ना किसी चीज़ से इस पर्टिकुलर चीज़ को समझने की कोशिश करना, ठीक है। कि मान लो एक कपड़े सुखाते हो ना, कपड़े जब सुखाते हो तो एक पॉलीमरेज कुछ इस तरीके से जुड़ा रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। अब इस पर्टिकुलरली चीज़ को, ये जो है कपड़े सुखाने के लिए कभी रस्सी पे इसको लोड करना पड़ेगा, ठीक है, सरकने के लिए। ये क्या है, रस्सी के थ्रू इसको मूव करना है, क्या करना है, मूव करना है, ठीक है। ये जो है ये इस डायरेक्शन में मूव करना है, इसको जब इस डायरेक्शन में मूव करना है तो ऐसे मूव करता रहेगा। अब मूव करने के लिए देयर शुड बी अ लोडर, सॉरी प्रोसेसिविटी कंपोनेंट, क्या चाहिए आपको, एक प्रोसेसिविटी कंपोनेंट चाहिए, प्रोसेस करे। किसको प्रोसेस नहीं करेगा तो कैसे ये आगे बढ़ेगा, कोई भी पॉलीमरेज है तो ये पॉलीमरेज को आगे मूव कराने के लिए प्रोसेसिविटी कंपोनेंट चाहिए इस डायरेक्शन में। और अब इस प्रोसेसिविटी कंपोनेंट को डीएनए पे जोड़े रखने के लिए, डीएनए पे जोड़े रखने के लिए, लोड करवाने के लिए देयर शुड बी द लोडर, क्या होते हैं, क्लैंप लोडर, क्लैंप लोडर, ये क्लैंप है, दिस इज प्रोसेसिविटी कंपोनेंट, क्लैंप की तरह से जाना जाता है, क्लैंप लगाया और इसको स्लाइड करते हुए चले गए। एग्जैक्टली अगर हम यहां पे देखेंगे, जरा सा देखिएगा तो हियर, ठीक है, ये जो केस बनेगा, ठीक है, अगर नॉर्मली बात की जाए तो ध्यान देने की कोशिश करिएगा। तो अब ये देखिएगा कि यहाँ पे क्या है कि इस तरीके से चीज़ें हैं, यहाँ पे ये लोड हो रहा होगा और ये डीएनए पॉलीमरेज इसको इस तरीके से मूव करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, लोडर का काम करता है गामा कॉम्प्लेक्स, क्या करता है, गामा कॉम्प्लेक्स करेगा। और क्लैंप का काम कौन करेगा, क्लैंप का काम करेगा बीटा क्लैंप, नाम में ही बीटा क्लैंप, जो कि प्रोसेसिविटी कॉम्प्लेक्स है, उसको मूव कराएगा, किसको, पॉलीमरेज थर्ड को,
ठीक है, दिस इज द केस हियर। इन द केस ऑफ यूकैरियोट सिमिलरली, अगर आप यूकैरियोट के ऊपर बात करते हैं तो ये भी इसको मूव कराना होगा। किस डायरेक्शन में? एज यू नो दैट इस डायरेक्शन में मूव कराना होगा। ठीक है, जब आपको इस डायरेक्शन में मूव कराना है तो दिस इज वेरी सिंपल थिंग कि अब इस डायरेक्शन में मूव कराने के लिए आपको लोडिंग की जरूरत पड़ेगी, कुछ ना कुछ चीजें होंगी जो यहाँ पे इसको पकड़ के रखी रहेंगे। ठीक है, तो देयर शुड बी लाइक सम लोडर विल बी देयर। ठीक है, कुछ ना कुछ लोडर यहाँ पे होगा, लोड करेगा, और दैट्स देयर शुड बी द सम। सो दिस इज द केस हियर। समझ में आया क्या? देखो, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। एक जो हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज पॉलीमरेज, ये जो है पॉलीमरेज कौन सा होगा, एप्साइलिन होगा या डेल्टा होगा। यहाँ पे जो है ये होता है PCNA कॉम्प्लेक्स, और ये जो हो जाएगा ये है आपका क्या, रिप्लिकेशन फैक्टर सी। ये जो है रिप्लिकेशन फैक्टर सी लोडर का काम करेगा, सेम जैसा प्रोकैरियोट में बात कर रहे थे। और PCNA जो है प्रोसेसिविटी कंपोनेंट यानी प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन। PCNA का पूरा नाम जो होता है, दिस इज प्रोलिफरेटिंग, ठीक है, प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन। ठीक है, ये काम जो होता है वो यहाँ पे पाया जाता है। सो दिस इज द केस जो कि आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये जो है पूरा का पूरा पंगा इस तरीके से चलता रहता है। नॉलेज का दामन छूना हुआ आसान, फिर चाहे वो लेक्चर सिर्फ या PhD का अरमान, हमारे पास है आपके हर एक मुश्किल का समाधान। हम पूरा करवाएंगे आपका हर वो अरमान। वेद में लेकर आया है डिटेल कोर्स फॉर CSIR 2024 एग्जामिनेशन। मिलेगा यहाँ आपको सब कुछ, न्यू पैटर्न के लेक्चर्स, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, PDF नोट्स और भी बहुत कुछ। वेदमी, क्योंकि हर सपना हमारा है अपना। एनरोल नाउ एंड विजिट वेदमी वेबसाइट एंड डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। यूज करिए कोड WED20 फॉर गेटिंग द 20% डिस्काउंट। वेदमी, एजुकेटिंग इंडिया।